हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज पुरानी पैंट के 4 आइडियाज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको जरूर पसंद आएंगे और आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, पुरानी पैंट अगर हमारे पास है, जीन्स की पैंट है या कोई और पैंट है, तो आप उसका बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं और अपने घर के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हैं। मेरी जो पैंट है इसमें स्टेन पड़ गया किसी वजह से, और देखिए जो इसकी कंडीशन है ना, पूरी अच्छी है, बिल्कुल भी फटी नहीं है, और जो इसका कपड़ा था वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। तो देखिए, इस तरीके के अगर आपके पास भी पैंट है तो उसका यूज कर सकते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट है ना, उसे मैं यहां से काट के निकाल दूंगी, देखिए, क्योंकि वो थोड़ा स्टिक होता है। अब देखिए, जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हमें काट लेना है, जो लेग साइड का है। दोनों पार्ट लेग साइड के हम निकाल लेंगे और हमें बराबर करते हुए, देखिए, इसे बराबर करना है हमें, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम काट के हटा लेते हैं। अब देखिए, यहां पे 26x15 इंच का हमें ये पीस मिल गया है। तो आपका जितना भी हो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आपकी पैंट छोटी हो बड़ी हो, दोनों पीस मैंने कट कर लिए, उसे रख दिया साइड में, और जो दूसरा वाला पीस था ऊपर वाला हिस्सा उसे मैंने ले लिया है। देखिए, यहां से 11.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है, और इसे दोनों साइड से 11.5 करके बराबर कर लेना है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हमें काट के हटा देना है। अब जो बीच में कटा हुआ आपको निशान दिख रहा है, इसे हमें स्टिच कर लेना है। यहाँ पे ये मैंने स्टिच कर लिया है, एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पे बॉक्स बनाऊंगी, जो मैंने इसे पलटा हुआ है दूसरी साइड से, 4x4 इंचेस का यहाँ पे एक एक बॉक्स बनाऊंगी दोनों साइड से। और जो हमें बॉक्स बनाने हैं, वो बॉक्स हमें देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। अब फ्रेंड्स, जो कटिंग करिए, इसके नीचे के हिस्से में हम पहले स्टिच करेंगे। नीचे का हिस्सा स्टिच हो गया, इसके बाद इसे बॉक्स को इस तरीके से पकड़ेंगे और इसे भी स्टिच कर लेंगे। अब देखिए, हमारा बहुत ही अच्छा यहाँ पे ऑर्गेनाइजर बन जाता है, बिना पैसे के, जीरो बजट में। और ये देखिए, मैंने ये स्टिच करके रेडी कर लिए इसके कॉर्नर्स, और इसमें हैंडल भी लगा लिए। हैंडल लगाना बहुत ही ज्यादा इजी है फ्रेंड्स। और मैंने लिया यहाँ पे एक कार्डबोर्ड, इसके अंदर हम कार्डबोर्ड डालेंगे और अच्छे से इसे फिक्स कर लेंगे, इसके कॉर्नर्स बाहर निकाल लेंगे। ऑर्गेनाइजर बनके तैयार है, आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें आप कुछ भी सामान अपने अंडरगारमेंट्स से रख सकते हैं, या फिर अपने क्लोथ्स से रख सकते हैं, या बच्चों के खिलौने रख सकते हैं, किसको किचन में यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। मैंने लिया है यहाँ पे बॉक्स, जो ऊपर वाला पार्ट मैंने बॉक्स का कट कर लिया था, और जो नीचे वाला बॉक्स का पार्ट है, देखिए, जीन्स जो है उसे मैंने उसकी जिप खोल ली है और उसका बटन खोल लिया है, क्योंकि बॉक्स उसके अंदर नहीं आएगा इस ऐसे। अब देखिए, इसे बॉक्स को फिक्स कर दिया, और जो इसकी जिप है उसे लगा लिया है, और जो बटन है उसे भी हमें यहाँ पे लगा लेना है। देखिए, इस तरीके से इजीली बॉक्स इसके अंदर चला जाता है। ये जिप और बटन को जब हम खोलेंगे ना, तो बॉक्स उसके अंदर अच्छे से फिक्स हो जाता है, कॉर्नर्स अच्छे से बाहर निकल गए, ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया है। अब आप इसमें कुछ भी सामान रख सकते हैं, इसको हैंग कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रख सकते हैं। तो देखिए, आप अपना सामान अपने नीड के अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी रख सकते हैं, किचन क्लोथ से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसमें अपने पर्स रख दिए हैं, और अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है सामान। और देखिए, इस तरीके से मैंने इसमें अपने पर्स रखे हुए। अब इसको रखना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप इसको अलमीरा में ऐसे ही रख सकते हैं, या फिर अलमीरे से बाहर रख सकते हैं। देखिए, अब इसमें हैंगर, मैं इसमें हैंगर लगाऊंगी, और देखिए, हैंगर लगा के इसे इस तरीके से इसे हैंग कर दीजिए। अब देखिए, जो हमारी अलमीरा होती है, अलमीरा में हमारा जो इस तरीके से वर्टिकल स्पेस होता है, नीचे हमने कपड़े रखे हुए हैं और ऊपर जो स्पेस इसका खाली रहता है, यहाँ पे मैंने इसे हैंग कर दिया है। अब देखिए, पर्स अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे, इजीली मिल जाते हैं, एक जगह पर अच्छे से रहते हैं। तो देखिए, जो वर्टिकल स्पेस है ना, हम इसको यूज नहीं करते और ये इस तरीके से वेस्ट होता है। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजर बना के आप रख सकते हैं, अपने जो वर्टिकल स्पेस है उसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए, इजीली इसमें सामान मिल भी जाता है। अब हम इसको इस तरीके से अगर थोड़ा सा नीचे को भी करेंगे ना, इस तरीके से हमें दिख जाता है, और ना ही ये गिरता है सामान, इसमें से अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है फ्रेंड्स। और इसमें जिप भी है, आप इसमें भी छोटा मोटा सामान कुछ रख के वो भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें दो जिप इधर से दी हुई है, दो उधर की साइड से। ये वाला जो बैग है, बिग साइज का बैग है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। ये वाला काफी इजी मेथड में आपके साथ शेयर किया हुआ है मैंने, आई होप आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो दूसरा आइडिया है, उसके लिए जो दो पार्ट हमने लेग के कटिंग किए हुए थे वो मैंने ले लिए हैं, और देखिए, बीच में से कटिंग करना है, और जो इसका जो सीधी साइड थी ना, उसे मैं अंदर की साइड रखूंगी, क्योंकि वो जो कलर है
है वो डल हो गया, अंदर वाला कलर है उससे बाहर ले लूंगी। अब देखिए एक पार्ट मैंने लिया है और उसे इस तरीके से बीच में से कटिंग करके ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो मेजरमेंट है वो है 11 इंच और 11.5 इंच। जो 11.5 इंच है वो मैंने नीचे की साइड को रखा हुआ है, नीचे और ऊपर वाला 11.5 का है। इसमें आप बैग लग, ये जो राइस बैग, आटा बैग आपके पास हैं, रबर शीट, प्लास्टिक सीट, कुछ भी इसमें लगा लीजिए और इसको रेडी कर लीजिए चारों ओर से सिलाई लगा के। यहाँ पे 3x3 का मैंने एक बॉक्स बना लिए दोनों साइड से। देखिए एक साइड से हमें बॉक्स बनाने, नीचे वाली साइड से या ऊपर वाली साइड से आप कहीं से भी इसको बॉक्स बना के रेडी कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने बॉक्स बना लिए और दोनों पार्ट में मैंने ये रेडी कर लिया है। अब देखिए इस तरीके से इसे रखना है और तीनों साइड हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो तीन साइड सिलाई लगा के रेडी हो गया है। अब यहाँ पे इस वाली साइड को भी इस तरीके से पकड़ेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे, कॉर्नर्स भी हमारे स्टिच हो गए हैं। अब देखिए हमें इस तरीके से इसे पकड़ना है और बीचों बीच में से इसे इस तरीके से पकड़ते हुए नीचे ले जाना है। जो नीचे वाली सिलाई है ना हमने लगाई हुई है वहां पे मिला लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमें इसे पलटना है, बिल्कुल बीच वाला हिस्सा पकड़ के ले जाना है नीचे और बीच में से डबल फोल्ड करते हुए इसे अच्छे से फिक्स कर लीजिए। और यहाँ पे पिनअप भी कर सकते हैं आप इसको, ताकि ये अच्छे से पिनअप रहेगा और सिलाई करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसमें सिलाई कर दी है, जो ऊपर वाला पार्ट था ना नीचे वाले पार्ट के साथ, उसे चारों ओर से इसमें स्टिच कर लेना है। तो देखिए ये मैंने चारों ओर से स्टिच करके रेडी कर लिया है। ये बॉक्स हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए रेडी हो गया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है जो प्लास्टिक बैग हमने कट किया हुआ था, इसी के ऊपर जो ये स्ट्रिप थी वो इसमें दी हुई थी, तो ये मैंने इसमें से ले लिया है। और देखिए ये अच्छे से इसमें हमें हैंडल लगा लेनी है, इसकी दोनों साइड हम इसमें हैंडल लगा के रेडी कर लेंगे। आपका देखिए क्लोथ बास्केट बनके तैयार हो गई है। आप इसमें अपने घर का कुछ भी सामान रख के ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, तो देखिए छोटा मोटा मेकअप का सामान रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी ये ऑर्गेनाइज रहती है और ना क्लोथ की है, कपड़े की है, और इसको आप वॉश कर सकते हैं, वॉशेबल है, आप कैसे भी इसे यूज कर सकते हैं। कार्डबोर्ड मैंने इसके अंदर एक डाल दिया है और देखिए ये बहुत ही अच्छा हमारा ऑर्गेनाइजर बनके रेडी हो गया है, क्यूट सी बास्केट बनके तैयार हो गई है। नेक्स्ट जो आइडिया है हमारा, जो हमारे पास एक पार्ट और इसका बचा हुआ है, उसका इस तरीके से इसे डबल फोल्ड करना है फ्रेंड्स। और देखिए अच्छे से करते हुए नीचे से इसकी कटिंग मैंने कर ली है, दो पार्ट हमारे यहाँ पे हो गई। 11x13 इंच का ये पीस है। 13 इंच वाली साइड से मैंने नीचे से ले लिया है। 2.5 के हमें यहाँ पे दो बॉक्स बनाने हैं, एक ही साइड से हम बॉक्स बनाएंगे, दोनों साइड से नहीं बनाएंगे। और देखिए इसे जो बॉक्स हमने बनाए हुए थे उनकी हमें कटिंग कर लेनी है यहाँ पे। तो देखिए इसकी कटिंग यहाँ पे हो गई है। और देखिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है जो ये हमारे पास कैरी बैग आते हैं ना, वो मैंने लिया हुआ है, इसकी लाइनिंग मैं इसमें लगाऊंगी। और यहाँ पे राइस बैग एक मैं ले लूंगी, और आप राइस बैग ले सकते हैं, रबर शीट, फॉर्म शीट, कुछ भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए इसी के बराबर का इसे भी कट कर लूंगी, और देखिए जो राइस बैग है उसे भी, और तीनों को हमें आपस में स्टिच कर देना है। ये देखिए राइस बैग भी मैंने ले लिया है और इसे अच्छे से दोनों को देखिए मैंने यहाँ पे दोनों दो पार्ट मेरे रेडी हो गए हैं। अब फ्रेंड्स क्या करना है, तो देखिए मैंने यहाँ पे हैंडल बना लिए हैं और मैंने कपड़े की ब्लैक कलर का कपड़ा ले लिया और उसकी मैंने हैंडल बना लिए हैं। यहाँ पे देखिए 20.5 इंच की मैंने ये बेल्ट रेडी की हुई है और चौड़ाई में है ये 1 इंच। अब जो हमारा ये वाला पार्ट है इसे हमें लेना है और देखिए इसका सेंटर निकालना है। सेंटर में हमने निशान लगाया है 3.3 इंच पे, मैंने दोनों साइड यहाँ पे बीच सेंटर से मार्क किया हुआ है। तो देखिए दोनों में हमें इस तरीके से करना है, सेंटर पॉइंट निकाल के 3-3 इंच पे इधर उधर करके निशान लगा लेना है। अब जो हमने बेल्ट बनाई हुई थी वो हमने बेल्ट ले लेनी है और देखिए इसे ऐसे नहीं लगाना है, इस तरीके से नहीं लगाना है, इसे लगाना है हमें सीधी साइड से नीचे से रखते हुए, ये देखिए इस तरीके से, और इसे स्टिच कर लेना है। दोनों साइड दोनों में हमने, दोनों जो हमारे पार्ट रेडी हुए हैं दोनों में हम इस तरीके से अपनी हैंडल स्टिच करेंगे। ये देखिए हैंडल स्टिच हो गए हैं। अब हमें यहाँ पे लाइनिंग लगा के अंदर से इसमें भी और दूसरे वाले में भी जो हैंडल है उसे नीचे करिएगा और इस तरीके से यहाँ पे इसको स्टिच कर लेना है। तो दोनों में हमने स्टिच कर लिया है। अब इसे इस तरीके से पलटते हुए, हम इसको इस तरीके से पलटते हुए इसमें टॉप स्टिच लगा लेंगे। टॉप स्टिच लग गया। अब मैंने यहाँ पे एक वाला एक रेडी कर लिया है। मैंने इसमें जो हमने अंदर टॉप स्टिच लगाया था उसके बाद जो अंदर कपड़ा फोल्ड किया है, तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे करते हुए पाइपिंग बाहर निकाल ली है। अब ये पाइपिंग निकाल लिए, देखिए ये देखिए बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग मेरी दोनों में रेडी हो गई है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वेलक्रो ली हुई है और इसके बीचों बीच में जहां पे हमने हैंडल लगाए हुए हैं
4.5 इंच की ये मेरी वेलक्रो है और यहाँ पे इसे स्टिच कर देंगे। दोनों में हमें इसे बीचों बीच में स्टिच करना है, हैंडल के बीचों बीच में। वेलक्रो यहाँ पे स्टिच हो गया है और उसके बाद देखिए अब दोनों पार्ट को हमें सीधी साइड को रखना है और इस तरीके से अब हमें तीनों साइड से इसमें स्टिच कर देना है। कॉर्नर से कॉर्नर बिल्कुल आपको अच्छे से मिला लेने हैं। और देखिए एक साइड ये वाला साइड हमने स्टिच करेंगे और उसके बाद सबसे पहले नीचे वाला साइड स्टिच करिएगा और फिर साइड के दोनों स्टिच करिएगा। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे स्टिच होके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है और जो इसके कॉर्नर्स हैं वो भी मैंने स्टिच कर लिए। उसके बाद तीन साइड स्टिच करने के बाद कॉर्नर स्टिच करेंगे। अब देखिए सुंदर सा बैग हमारा यहाँ पे बनके तैयार हो जाता है। बहुत ही यूजफुल है, आप छोटा मोटा सामान इसमें ला सकते हैं, मार्केट से दूध वगैरह लाने के लिए भी बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही अच्छे से हमारा ये बैग बन गया। काफी मजबूत है क्योंकि जो पैंट का कपड़ा है ना बहुत ही मजबूत है फ्रेंड्स ये। तो देखिए वेलक्रो मैंने इसमें लगाया हुआ है, इजीली इसे खोल सकते हैं। मैंने इसमें अंदर से पाइपिंग लगाई नहीं है तो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया यूनिफॉर्म की जो कोटी होती है बच्चों की वही है। और उसके बाद एक मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया हुआ है, तो देखिए इससे अच्छे से यहाँ पे टेप लगा लिए मैंने यहाँ पे और इसे टेप लगा के अच्छे से मजबूत कर लिया। और जो इसके अंदर वाली साइड है ना, ऊपर के जो इसकी साइड थी वो मैंने इसमें अंदर को ही फोल्ड कर दिए, चारों ओर से मैंने इसमें टेप लगा लिया है। अब देखिए ये वाली जो साइड है ये मैंने अंदर को इसमें फोल्ड कर दिया। अब जो ये इसकी ये जो कोटी है ना इन्हें मैं काटूंगी। देखिए ऊपर वाला हिस्सा मैं एक कोटी का यहाँ से काट लूंगी और यहाँ पे देखिए मैंने जो नीचे वाला उसका कोना था ना वो मैंने काट के स्टिच कर दिया है और जो दूसरी कोटी है दूसरी कोटी का भी काट के दोनों कोटियों को ऊपर से सिल दिया है। अब देखिए इस तरीके से हमें इसे लगाना है और इसमें मैंने बटन ऐसे ही रहने दिया है ताकि हमको डालने में और निकालने में दिक्कत ना हो। अब मैंने जब इसका बटन खोला था उसके बाद मैंने इसे फिक्स किया था इसमें और उसके बाद उसका बटन लगा लिया था। अब देखिए हमारा बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो जाता है। मैंने इसके अंदर कार्डबोर्ड डाल के अच्छे से फिक्स कर लिया है। आप इसमें अपनी जरूरत का कुछ भी सामान रख के ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो जो मैंने आपको आज 4 आइडियाज दिए हैं आपको आई होप पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने नियर और डियर में शेयर जरूर कीजिएगा। जो मैंने यहाँ पे सामान इसमें रख के दिखाया हुआ है मैंने ऐसे ही रफली रखा हुआ है, आप इसको अच्छे से रख सकते हैं। इसमें स्टेशनरी का बच्चों का सामान रख सकते हैं, मेकअप का सामान रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे यूज करने वाली हूँ अपनी रील्स रखने के लिए। और देखिए मैंने इसमें सारी अपनी रील्स अरेंज कर ली है और बीच बीच में मैंने इसमें कार्डबोर्ड लगाए हुए ताकि जो रील्स हैं वो आपस में गिरे ना और साथ में अच्छे से रहें। और देखिए इस तरीके से दूसरा साइड से मैंने बॉक्स रखा हुआ है, इसमें मेरी जो बटन्स वगैरह नीडल वगैरह होती हैं वो मेरी इसमें रखी हुई है मैंने, देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग इसमें सामान रख सकते हैं। आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।